डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट स्मैशर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मल्टीप्लेक्सर। ऑल्दो एक वीडियो में सारा मल्टीप्लेक्सर जो है वो कवर नहीं होगा, तो तकरीबन 4 से 5 वीडियोस जो है वो इसकी बनेंगी। तो सबसे पहले मल्टीप्लेक्सर का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिजिटल की अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन सर्किट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो मल्टीप्लेक्सर के ऊपर ही आते हैं। तो गाइज, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया, अगर कर भी दिया और डिवाइस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ मल्टीप्लेक्सर? अ मल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट हैज 2^n इनपुट लाइंस एंड अ सिंगल आउटपुट लाइन। मतलब सबसे पहले इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें या इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो मल्टीप्लेक्सर होता क्या है? 2^n इनपुट होती है और मेरी आउटपुट कितनी होती है? सिर्फ एक। ठीक है, 2^n मतलब जैसे 4 1 मल्टीप्लेक्सर हो गया, 2 × 1 मल्टीप्लेक्सर, 8 × 1 मल्टीप्लेक्सर, मतलब इनपुट्स जो होंगी वो आपकी 2^ में ही होंगी और आउटपुट सिर्फ 1 होगी। तो इसकी वजह से हम मल्टीप्लेक्सर को इलेक्ट्रॉनिक स्विच भी बोल सकते हैं दैट कनेक्ट वन ऑफ द एन इनपुट्स टू एन आउटपुट। क्या मतलब बना कि लेट्स से मेरे पास 4 इनपुट है और मेरे पास आउटपुट कितनी है? आउटपुट मेरे पास सिर्फ एक है, तो मैं इनमें से किसी को भी एक को सिलेक्ट कर सकता हूं। कैसे सिलेक्ट करूंगा? मतलब ये स्विच की तरह काम कर रहा है। अगर लेट्स से मैं स्विच को इसके साथ जोड़ दूं तो यानी ये वाली इनपुट सिलेक्ट हो जाएगी। लेट्स से इसको इनपुट को मैं I1, I2, I3, I4 इस तरीके से नाम दे दूं, तो अगर मैं इस स्विच को इसके साथ, जैसे आप स्विच वायर्स को जोड़ते हैं ना, तो लेट्स से अगर मैं वायर इसके साथ जोड़ दूं तो यहां पे आउटपुट में I1 आ जाएगी। अगर लेट्स से मैं वायर इसके साथ जोड़ दूं, किसी भी एक के साथ जुड़ेगी, ठीक है, किसी भी एक के साथ, तो यानी यहां पे मेरी आउटपुट आ जाएगी I2, फिर I3। इस तरीके से आप जो है वो इनपुट्स को सिलेक्ट करते हो और वो आउटपुट में दिखाते हो। देन अगर हम बात करें यहां पे, इट इज अ फंक्शनली कंप्लीट, दैट इज ऑल द बुलियन फंक्शंस कैन बी रियलाइज्ड यूजिंग वन मल्टीप्लेक्सर विदाउट एनी अदर गेट। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी ये, कि मल्टीप्लेक्सर जो है वो क्या होता है आपका? फंक्शनली कंप्लीट। फंक्शनली कंप्लीट का मतलब क्या है कि आपने कोई भी सर्किट डिजाइन करना है, कोई भी गेट कुछ भी बनाना है, तो आप मल्टीप्लेक्सर से बना सकते हो बिना किसी और गेट की हेल्प से। ठीक है, तो ये एक तरह से यूनिवर्सली आप कह सकते हो कंप्लीट सर्किट है। तो ये मेन पॉइंट जो है वो याद रखना, क्योंकि धीरे धीरे करके हम इसकी डीप में जाएंगे मल्टीप्लेक्सर की। तो यहां पे सबसे पहले मैं आपको 4 × 1 मल्टीप्लेक्सर जो है वो बना के दिखा रहा हूं। तो 4 × 1 का मतलब क्या है? इनपुट्स कितनी है? 4, और आउटपुट तो आपको पता ही है एक होती है। तो 4 को आप 2^2 × 1 मल्टीप्लेक्सर, ऑब्वियसली ऐसे भी बोल सकते हो, या अगर हम ओवरऑल बात करें जैसे हमने पहले लिखा 2^n इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर, तो वही चीज है, आप इस तरीके से शो कर सकते हो। तो यानी मेरे नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है? 4, तो उनको आप लेट से नाम दे दो I1, I2, I3 एंड I4। ठीक है, और यहां पे मेरी आउटपुट आ गई लेट से F, तो ये मेरी एक आउटपुट है। यहां पे अब आपने देखो I1, I2, I3, I4 में से कौन सी इनपुट जो है वो आउटपुट पे जाएगी, कैसे सिलेक्ट होगी, इसके लिए हम यूज करते हैं सेलेक्ट लाइंस। तो सेलेक्ट लाइंस तो यहां पे बनी नहीं है, कोई बात नहीं, बना देते हैं। तो सेलेक्ट लाइंस कितनी होती है? सेलेक्ट लाइंस आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि कितने नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस आएंगी? तो आप देखो 4 × 1 मल्टीप्लेक्सर है जिसको आप कैसे लिख सकते हो? 2^2 × 1, मतलब अगर आपके पास 4 वैल्यूज है तो ऑब्वियसली 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कितनी बिट्स को यूज करते हो? 2 को, क्योंकि 2 बिट्स का मतलब क्या है? 0001 1011। तो देख लो 4 वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं 2 बिट को यूज करता हूं, तो यानी मेरी नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस कितनी हो जाएंगी फिर? 2। ठीक है, तो आप चाहिए ऐसे फाइंड आउट कर लो, 2^2 में लिख लो, तो ये जो वैल्यू है इतने नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस होती हैं। तो लेट्स से सिलेक्ट लाइन S1 है और दूसरी मेरी S0 है, तो ऑब्वियसली यहां पे मेरे पास 4 वैल्यूज कौन सी बनेगी? 0001 1011। ठीक है जी, अब यहां पे अगर मेरी सिलेक्ट लाइन 00 पे है, मतलब सिलेक्ट लाइन में आप 00 वैल्यू डाल रहे हो, तो आपकी I1 जो है वो आउटपुट में आ जाएगी। ठीक है, अगर लेट से आप 01 डाल रहे हो, मतलब S1 में आपने 0 दे दी और S1 में आपने 1 दे दिया, तो यानी आपकी I1, अच्छा यहां पे I1 से स्टार्ट किया है, तो आप I1 यहां पे लिख लो, तो फिर आपकी I2 यहां पे सिलेक्ट हो जाएगी। अगर 10 दे रहे हो तो I3 सिलेक्ट हो जाएगी, अगर 11 दे रहे हो तो
I4 यहां पे सिलेक्ट हो जाएगी. तो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ अ मल्टीप्लेक्सर. तो यहां पे इसको आप इक्वेशन की तरह भी यूज कर सकते हो. इक्वेशन मतलब एक तरह से कैसे बनगी, इक्वेशन यहां पे बनगी कि अगर S1 का बार है और S0 का बार है, S1 का बार है और ये 0 है ना, तो अगर आप SOP फॉर्म में लिखोगे इसको, अगर आप F को SOP फॉर्म में इक्वेशन में लिखोगे तो S1 बार S0 बार, तो यानी क्या आ गया आपका I1 आ गया, ठीक है. प्लस अगर S1 के ऊपर बार है और S0 आपकी एज इट इज है तो यानी I2 आ गया. प्लस अगर S1 आपका एज इट इज है और S0 के ऊपर बार है तो आपका I3 आ गया. प्लस अगर S1 एज इट इज है, S0 एज इट इज है तो आपका I4 आ गया. सो दिस इज व्हाट द इक्वेशन, यू कैन से SOP फॉर्म में आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो ये पूरी की पूरी एक बेसिक इंट्रोडक्शन है सिर्फ मल्टीप्लेक्सर की. तो धीरे धीरे हम लोग जो है वो इसके डीप में जाएंगे, ठीक है. थैंक यू.